जी हाँ दोस्तों, अगर फिर से स्वागत है आपका आप तक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। टुडे ब्रेकिंग न्यूज टॉप हेडलाइंस लेकर आ चुके हैं आपके लिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम और महत्वपूर्ण खबरें आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं आज के सबसे कोरोना के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो देख पा रहे होंगे अभी भारत में 2,47,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं ठीक हुए लोगों में 1,19,000 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनकी संख्या 6,929। दोस्तों इसके साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हो, आज से सस्ता सोना बेच रही मोदी सरकार, क्या आप खरीदने को हैं तैयार? जाने कहां, कैसे और किस भाव पर मिल रहे हैं सॉवरेन गोल्ड। दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत तय कर दी है। 4,677 रुपए प्रति ग्राम के रेट से मोदी सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी कीमत के तहत 8 जून से लेकर 12 के बीच आप निवेश कर सकते हैं। इसकी किस्त 16 जून को जारी की जाएगी। इससे पहले अप्रैल और मई की सीरीज में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। वहीं ऑनलाइन खरीदने पर इस पर 50 ग्राम प्रति ग्राम या 500 रुपए प्रति ग्राम छूट मिल सकती है। तो दोस्तों आपको गोल्ड अगर खरीदना है तो आपको 50 रुपए प्रति ग्राम या 500 रुपए प्रति ग्राम आपको छूट मिलने वाला है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर देख रहे हैं, ऑनलाइन 1.0, घर से निकलने से पहले आज जान ले पेट्रोल डीजल के रेट। दोस्तों अगर केंद्र सरकार ने इस लॉकडाउन अनलॉक मोड में काफी चीजें को बदलाव किया, इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में ही बदलाव किया है। आपको बता दें कि वाहनों की भीड़ बढ़ने के कारण पेट्रोल डीजल के भाव में झटका दे दिया है। 83 दिन से शांत पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार दूसरे दिन भी बढ़ोतरी हुई है। आज सोमवार यानी 8 जून 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 60 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 72.46 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल का रेट भी 60 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 70.59 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकियों में एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट मिला है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, दक्षिण कश्मीर के शोपियों में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मार गिराए। अभी इन आतंकियों की पहचान की जा रही है और सुरक्षा बलों की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मारे जाने वाले हिजबुल निजामुद्दीन का टॉप कमांडर भी था। यह भी बताया जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते पहले कुलग्राम जिले के येरीपोरा में हुई मुठभेड़ में फारूक अहमद भट्ट भाग निकला था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं कि दिल्ली से आ रही फिर बंद हो सकती है शाहीन बाग कालिंदी कुंज रोड, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह सचिव को लिखा है लेटर। आपको बता दें दोस्तों कि नागरिक संशोधन विधेयक जिसको CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के विरोध में दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू हो सकता है। शाहीन बाग में तो दोबारा से धरना प्रदर्शन किए जाने की कोशिश हो चुकी है और इसी तरह रिपोर्ट को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है। पत्र में मांगी गई है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दूसरे चरण को रोकने के लिए पहले की एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। तो जी दोस्तों दिल्ली में अब फिर से CAA और NRC के विरोध में अब ये प्रोटेस्ट चलने लगा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे, मुसलमानों का नहीं करेंगे इलाज, हॉस्पिटल के नाम से वायरल हुआ व्हाट्सएप चैट, जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। राजस्थान के चूरू स्थित एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों का कथित व्हाट्सएप चैट इन दिनों सुर्खियों में है। इसमें ये कर्मचारी अस्पताल में मुस्लिम मरीजों का इलाज न करने की बात करते दिख रहे हैं। इनके ये ग्रुप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला राजस्थान के चूरू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में श्री चंद बरादिया रोग निदान केंद्र का है। इस हॉस्पिटल को चलाने वाले डॉक्टर सुनील चौधरी ने फेसबुक पर सफाई देते हुए आरोपों से इनकार कर लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर देखेंगे कि लद्दाख से आ रही है, भारत ने चीनी सामानों के बहिष्कार से बौखलाया चीन, यह है चेतावनी। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव कम करने के लिए चीन भले ही कह रहा हो कि वह विवादों को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के प्रोपेगेंडा न्यूज पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के कारण भारत में एंटी चीन भावना पनप रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखेंगे दोस्तों कि अनलॉक वन में 2.5 महीने बाद आज खुल गए धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल, जाने किस तरह राज्य में क्या है तैयारियां। अनलॉक 1.0 में कोरोना और लॉकडाउन के चलते लगभग 2.5 महीने के बाद दोस्तों आपको पता होगा कि बंद धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल आज सोमवार से खुल गए हैं, लेकिन सब पहले जैसा नहीं होगा। पूजा पाठ, रेस्टोरेंट में खाना खाने और मॉल में शॉपिंग करने के तरीके बदल जाएंगे। नियमों के साथ आपको यहां जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी राज्यों ने अपने अपने तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि 8 जून के वैष्णो देवी और बांके बिहारी मंदिर नहीं खुलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बांके बिहारी और वैष्णो देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो अब 8 जून को आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर खुलने वाले नहीं है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि MP बाय इलेक्शन BJP की इन समितियों से सिंधिया समर्थक आउट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। BJP ने विधानसभा सीटों के प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब उपचुनाव के लिए संचालन समिति और प्रबंधन समिति का गठन किया है।
समिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 22 को शामिल किया गया है। इसमें 10 पूर्व मंत्री हैं। प्रबंध समिति में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को संयोजन बनाया गया। इस समिति में कुल 18 सदस्य शामिल भी हो सकते हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट देख पा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच एक और झटका, पेट्रोल डीजल हुआ है महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को 83 दिन बाद 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं इसी के साथ सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया है। और इसी के साथ अगली अपडेट देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा पर निर्णय के 11 जून को हो सकती है बैठक। क्या है खबर आपको बताते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर में देख पा रहे होंगे, प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षित आयोजन के मसले पर 11 जून को बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय की परीक्षा में समिति के इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा कब और किस तरह की जानी है। इस बैठक के प्रदेश में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज की टिकी है कि आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारी एवं गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा कराने के लिए अधिकृत और जवाबदेही एजेंसी है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं दोस्तों कि अपने घर लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र ने तैयार किया है ब्लूप्रिंट। कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूर की वापसी के लिए बाद उनको यहां भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान कर ली है जहां लॉकडाउन के सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। इन जिलों सामाजिक कल्याण व सीधे लाभ से योजनाओं को तेजी से मिशन मोड पर लाया जाएगा और सीधे तरीके से प्रवासी मजदूरों को हेल्प दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। आपको अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मिलते हैं इस तरह की अगली बड़ी खबर 9 जून के खबरों में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि इस तरह की खबरें आपको सही समय पर मिलती रहेगी।